उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बुधवार तड़के पुलिस ने मुठभेड़ में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बदमाश मनीष राय हत्याकांड के वादी मुकदमा की हत्या की योजना बना रहे थे। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि गंभीरपुर थाना और एसओजी टीम सुबह की क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने दोनों बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ लिया। इसमें योगेश सिंह और गोलू को पैर में गोली लगी है, जो जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरा बदमाश पंकज मिश्रा है, जो गंभीरपुर का ही निवासी है। पूछताछ में पता चला है कि पंकज जनवरी 2021 में गंभीरपुर थाना क्षेत्र में हुए मनीष राय हत्याकांड में आरोपी है और अभी हाल ही में जमानत पर छूटा है। जमानत पर छूटने के बाद अब पंकज और योगेश मनीष हत्याकांड के वादी मुकदमा और मुख्य गवाह की हत्या की साजिश रच रहे थे। इसके पूर्व ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। एसपी ने बताया कि मनीष राय हत्याकांड में 5 लोग नामजद किए गए थे, जिसमें वर्तमान में 3 गिरफ्तार किए गए हैं, 2 अन्य फरार चल रहे हैं। इनकी तलाश में पुलिस टीम लगी है। उन्होंने मुठभेड़ में दो बदमाशों को पकड़ने वाली टीम को 15,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है।